एडीजी जोन कार्यालय पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जनपद में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 1500 उच्च क्वालिटी के कैमरे लग चुके हैं और आने वाले समय में 3000 कैमरे लगाना है। इस तरह से 4500 कैमरे लग जाएंगे। उन्होंने जनपद के नागरिकों से भी अपील किया था कि अपने घरों में कैमरा लगवाएं, जिसको देखते हुए बहुत से नागरिकों ने अपने घरों पर कैमरा लगवाया है और प्राइवेट कैमरा वाली कंपनी ने विशेष छूट दिया है। जो कैमरा 10,000 जोड़ा में मिलता है, वह कैमरा अब से 6,000 से 7,000 के बीच में मिल रहा है, जिसे लोग लगवा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान बहुत सफल रहा है, जिसके लिए नागरिकों को धन्यवाद देता हूं। कैमरा लगने से अपराध में काफी गिरावट आई है। अपराधियों को भी समझ आ गया है कि गोरखपुर में अपराध करना सरल नहीं रह गया है और निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से बच रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, तब ऊपर पैक करके रख के इधर लग जाएगा, नहीं दिख रहा है वो त्रिनेत्र वाला। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत अब तक जनपद में करीब 1500 उच्च क्वालिटी के कैमरे लग चुके हैं और आने वाले समय में करीब 3000 कैमरे और लग जाएंगे, जिसमें करीब करीब 1500 कैमरे एक महीने के अंदर लग जाएंगे। तो इस प्रकार करीब 4,500 कैमरे हमारे पूरे जनपद में जो उच्च क्वालिटी के विभिन्न चौराहों पे, प्रमुख चौराहों पे लग जाएंगे। हमने जनता से भी आह्वान किया था कि अपने घरों पे कैमरे लगाएं, हर घर कैमरा बहुत ही सफल अभियान चल रहा है। उसके तहत जनता ने अधिकाधिक संख्याओं में कैमरे लगवाए हैं और इसकी सफलता इसी से आंका जा सकता है कि प्रमुख कंपनियां जैसे कि CP प्लस दउआ हैं, इन्होंने गोरखपुर के नागरिकों, आप अपना आई कार्ड दिखाएं, रेजिडेंट प्रमाण पत्र दिखाएं, तो उनके लिए विशेष छूट दी है। जो कैमरे 10,000 में दो कैमरे आ रहे थे, आज 6,000 रुपये में या उससे कम में ही दो अच्छी क्वालिटी के कैमरे घरों पर लग सकते हैं। ये अभियान बहुत सफल रहा है और इसके लिए मैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी धन्यवाद दूंगा और जनता का विशेष रूप से ध्यान दूंगा, जिन्होंने रुचि लेके अब तक करीब 15,000 के आसपास ये आंकड़े पहुंच चुके हैं जनपद में, जहां ये कैमरे लग गए हैं। सर, इससे अपराध में कितनी गिरावट आई है? देखिए, अपराध में गिरावट स्वाभाविक है, काफ़ी तेज़ी से गिरावट मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ और आप लोग इस शहर के नागरिक हैं। अभी जो घटनाएं हुई भी हैं, जिसने ये दुस्साहस करने की कोशिश भी की, सभी घटनाओं का सफल अनावरण CCTV कैमरों की मौजूदगी से हो रहा है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव अपराधियों पर आ रहा है, जिससे वो उनको ये समझ आ गया कि गोरखपुर जनपद में अपराध करना अब संभव नहीं होगा। अपराध, प्रमुख अपराध तो खत्म ही हो गए थे, जो ये CCTV का जो मुख्य उद्देश्य या लाभ हो रहा है वो छोटे अपराधों में, कभी किसी का मोबाइल छीन लेते थे या कभी कोई चेन स्नैचर आ जाता था, उनको अब हम बड़े आसानी से आइडेंटिफाई और पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ प्रमुख अपराध, कभी कोई विदेश में आवेश में आके हत्या हो जाती है, मारपीट कर लेते हैं लोग, उसमें फर्जी नामजदगी हो जाती है, उनसे बचा जा रहा है और सही अपराधी पकड़े जा रहे हैं और निर्दोष जेल जाने से बच रहे हैं। तो ये बहुत मेजर लाभ इस अभियान के तहत हम लोगों को मिल रहा है।